हेलो गाइस, कैसे हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूएई की 3-4 बड़ी अपडेट आई है और जो टाइटल और थंबनेल में लिखा हूँ दोस्तों, उसमें 110% सच्चाई है कि अगर दुबई में किसी को आप हेल्प करते हो तो आपको जेल हो सकता है। तो इसके बारे में प्रॉपर आपसे बात करने वाला हूँ दोस्तों, और 3-4 बड़ी अपडेट है। एक पाकिस्तानी ने कम से कम 10-12 वर्करों को पैसे लेकर भाग गया, और अगर आप किसी को उधार देते हो दोस्तों तो उसके ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसे बड़ी सारी अपडेट है दोस्तों, वो जस्ट आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है। तो दोस्तों, न्यूज़ और रियलिटी अलग अलग दो चीज़ है। तो पहले मैं रियलिटी जान लेता हूँ, फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि बहुत सारा ऐसा न्यूज़ है दोस्तों जो यूएई से बाहर नहीं आता है, क्योंकि इंडिया या पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा मीडिया वहाँ स्वतंत्र नहीं है, गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है। तो ये सब जो अंदरूनी बात है दोस्तों, बट ये गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ क्या क्या अपडेट है। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट करना, क्योंकि इस तरह का कॉन्टेंट मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। तो पहला जो अपडेट है दोस्तों, और जो टाइटल में लिखा कि अगर आप किसी भी गरीब को या कोई भीख मांगने वाले को अगर आप हेल्प करते हो और आपकी हेल्प करते टाइम किसी पुलिस का नज़र पड़ जाए या CID की नज़र पड़ जाए, तो जो भीख मांगने वाला वो तो डिपोर्ट होगा ही, उसको लाइफ टाइम बैन लगेगा ही। आपको भी उसके साथ प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, और इनकेस आपको भी जेल जाना पड़ सकता है, आपको भी ह्यूज अमाउंट में फाइन आ सकता है, क्योंकि रूल सारे लोगों का सेम है। यूएई लॉ के हिसाब से दोस्तों, किसी भी आदमी को ना भीख देने का अलाउड है और ना कि भीख मांगने का अलाउड है। अगर आप भीख देते हो तो आप ट्रस्ट के जरिए दे सकते हो, गवर्नमेंट के बड़े बड़े ट्रस्ट बना है, उसमें आप जाकर दान करो, गवर्नमेंट जिसको चाहेगी उसको देगी। और जो भीख मांगने वाला भी है दोस्तों, आप गवर्नमेंट के ट्रस्ट में जाकर अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ से आपको मदद मिलेगी। बट ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं, आप लोग यस जरूर लिखना कॉमेंट सेक्शन में कि बहुत सारे लोग अभी देखिए ज़्यादा पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से भी थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया अभी जाना, क्योंकि बोलता है कि मेरा पैर में प्रॉब्लम है, कोई बोलता है मेरी बेटी की शादी है, कोई बोलता है मेरी माँ का कैंसर है, ऐसे करके बहुत सारे दिन भर में हम लोग के रूम तक लोग आते थे भीख मांगने। तो इस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो CID के बहाना लेकर आपके रूम में आएंगे। अगर आप उन लोगों को हेल्प किया और पैसे दिए तो शायद पुलिस, क्योंकि लॉ के हिसाब से ये गलत बात है, ठीक है, गलत चीज़ है ये, तो आपके साथ भी ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। ये वीडियो बनाने का मतलब ये सब ये नहीं कि आप एक कान से सुनो दोस्तों और दूसरे कान से उड़ा दो, क्योंकि ये बहुत रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन ला के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ आप यूएई दुबई के रहते हुए आप गलत चीज़ नहीं इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, नहीं तो आप पकड़े जाओगे। इसलिए दोस्तों, बहुत सोच समझ कर मैं आप लोग के लिए यह सब वीडियो लेकर आता हूँ। तो ये बात आप लोग जहन में रखना कि अगर कोई आपके साथ भीख मांगने आता है या कोई हेल्प के लिए मांगने आता है तो आप बिल्कुल ना दें, क्योंकि ये गवर्नमेंट के खिलाफ है। हाँ, आप किसी ट्रस्ट के जरिए, अगर आपको इतना हेल्प करने का शौक़ है तो आप ट्रस्ट के जरिए, आप वहाँ पे बहुत जगह पे आपको मालूम है कि ट्रस्ट रहता है, सुपरमार्केट में भी आप देखते होंगे कि एक ऐसा गुल्लक के जैसा बना होता है, उस पर आप दान कर सकते हो, जो भी आपको दान करना है, तो वो ट्रस्ट सीधा गवर्नमेंट के पास जाती है और गवर्नमेंट उसको देती है जो एक्चुअली उसकी नीड है, क्योंकि बहुत सारे लोग बीजा में जाके वहाँ अपना धुआ धंधा स्टार्ट कर देता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे पकड़ाए हुए हैं दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, ये सब चीज़ शायद मजाक लगता है बट जिसके साथ गुजरता है दोस्तों उसको पता है कि एक्चुअली रियलिटी क्या है। दूसरा अपडेट है दोस्तों कि दुबई में अगर किसी को, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दुबई में अगर किसी को आप कर्ज देते हो तब भी आपको जेल हो सकती है। इसका रूल के हिसाब से मैं आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि फ़िलहाल में ही दो दोस्त एक आपस में कर्ज लेना देना कर रहा था, उसके बीच में थोड़े दिन 3-4 जब आदमी पैसा लेन देन करता है तो मन मोटा हो ही जाता है। आप लोग को भी मालूम है कि आप किसी रिलेशन वाले को भी अगर पैसा दो तो देने के टाइम तो अच्छा लगता है, बस रिटर्न लेने की बारी आती है तो फिर प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, ये दोस्त के बीच लेन देन चालू हुआ, फिर बाद में पता चला कि एक दोस्त जो दोस्त दे रहा था वो सूद पर पैसा दिया था दूसरे दोस्त को। ये इतना लड़ाई मामला बढ़ गया, मारा पीटी का नौबत आ गया, सुरता आया, उन लोगों दोनों को पुलिस में ले गया, फिर ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में बाद में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर कोई भी दुबई में इस तरह का काम करता है कि किसी भी आदमी को कर्ज, वो भी सूद पे, ठीक है, ऐसे कर्ज दिया तो नो प्रॉब्लम, उतना पता नहीं चला, बट किसी को इंटरेस्ट पे, सूद पे अगर आप किसी को पैसे देते हो तो आपको जेल होगा, और 5 साल का जेल होगा दोस्तों, और बहुत ज़्यादा फाइन आएगा। इसलिए ये सब चीज़ से बचो, क्योंकि आने वाला दिनों में बहुत सारे लोग, आप लोग भी देखा होगा कि आपके कैंप वगैरह के आजू बाजू में बहुत सारे लोग इसका बिजनेस बना लिए थे, बोले थे अगले महीने सैलरी आ जाएगी तो दे दूंगा,
मुझे 1000 दे दो, आपको 1100 देना पड़ेगा। तो इस तरह का मामला बहुत सारे कोर्ट में गया था और इस पर सुनवाई हुई दोस्तों, तब मुझे पता चला और मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ कि यह सब चीज़ से बचे। ये सब इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं अपने वर्कर भाइयों के लिए ही बना रहा हूँ, ताकि कोई भी मेरा वर्कर भाई यह सब चीज़ में ना फंसे, क्योंकि दो पैसे हम लोग कमाने आए हैं, यहाँ से अच्छे खुशी कमा के अपने घर का जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाले, बाकी ये फालतू के चीज़ों में हम लोग ना फंसे। तो दूसरा अपडेट है दोस्तों कि एक भाई ने कमेंट किया, ठीक है, और भी दो तीन अपडेट है बट आपको स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा दूंगा। एक भाई ने, मैंने कल वीडियो बनाया था कि दुबई में वर्कर की सैलरी बढ़नी चाहिए क्योंकि महंगाई इतना बढ़ गया है, आप लोग हैं आप लोग को पता है कि इतना महंगाई बढ़ गया है कि इसका कोई हिसाब नहीं, और जो सैलरी पहले थी वो अभी भी सैलरी है। तो भाई ने कमेंट किया था कि नहीं, सिर्फ वर्कर पैसे मांगता है, काम तो करता नहीं है। तो उन भाई के मैं वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग जो भी ये कमेंट किए हैं उनको तो ये पता होना चाहिए कि जो इतने बड़े बिल्डिंग बना रही है सिर्फ वर्कर ही बनाती है। एसी रूम में बैठकर दिमाग लगाना एक अलग चीज है, और दोस्तों हार्ड वर्क मेहनत से इतना धूप पसीना में काम करना एक अलग चीज है। तो जो वर्कर को जितना पैसे मिलना चाहिए उतने पैसे दुबई में नहीं मिलता है दोस्तों, इसीलिए हम लोग ये सब आवाज उठा है ताकि ये सब चीज गवर्नमेंट तक जाए और सुने, ताकि वर्करों की सैलरी जो भी थोड़ा इजाफा हो, क्योंकि महंगाई सीधा डबल हो गया है, थोड़ा बहुत नहीं सीधा डबल हो गया है महंगाई दोस्तों। होटल में चले जाओ, कोई कोल्ड ड्रिंक या ले लो, या कोई चावल ले लो, आटा ले लो, कुछ भी खाने पीने का सामान, पेट्रोल का सामान बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो शायद भाई ऑनर होगा या कुछ बड़े पोस्ट का होगा, तो भाई ने कमेंट किया था कि वर्कर सिर्फ पैसा मांगता है, काम करता नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों उनको इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी शेयर करके बता दो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि ये कितना गलत बात है, क्योंकि वर्कर के मेहनत के वजह से ही आज दुबई में एक से एक बड़े बड़े बिल्डिंग बनी है। वहाँ के राजा खुद सराहना करता है इंडियन वर्कर की, या कहीं के वर्कर की। आज वर्कर के वजह से, नो डाउट वर्कर को पैसा मिलता है, बट वर्कर के वजह से ही आज दुबई भी इतनी तरक्की कर रहा है, और वर्कर के हार्ड वर्किंग के, क्योंकि इतने धूप में काम करना सबकी बस की बात नहीं है। तो ये वीडियो शेयर करके उसको जरूर बता देना दोस्तों, ताकि उसको समझ में आ जाए और वो ये वीडियो देखे। ऐसा दिमाग आप ना रखना दोस्तों वर्कर के लिए, क्योंकि वर्कर एक थोड़े पैसे के लिए जितनी उसको ज़रूरत होता है उतना नहीं मिल पाता है, ये फैक्ट है। जितना उसको नीड है दोस्तों उतना नहीं मिल पाता है। 12-12 घंटा गर्मी में काम करके 1000-1100-1200 दरम सैलरी उठाता है, यहाँ आते आते अगर खाते पीते वही 18-20 हज़ार बचता है दोस्तों, तो उसमें क्या कर लेगा। इसलिए हम लोग इस टाइप पर वीडियो बनाते हैं आप लोग के सपोर्ट के लिए, ठीक है। दूसरा दोस्तों कि दुबई में एक अपडेट आया है कि दुबई में अगर कोई भी गाड़ी या ड्राइवर से रिलेटेड अपडेट है दोस्तों। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। वो पाकिस्तानी भाई ने बहुत सारे वर्करों के साथ फ्रॉड किया है, मगर ये अपडेट पहले आपको बता दे रहा हूँ कि अगर दुबई में कोई भी ड्राइविंग करता है, दो दिन पहले का अपडेट है दोस्तों, कि अगर कोई भी ड्राइविंग में क्या करता है, 140 की स्पीड में जाता है, ठीक है, 140 की स्पीड में। तो पहले क्या होता था कि आप लोग भी देखते होंगे, आप लोग अगर बस से या अपने छोटे गाड़ी से ड्यूटी जाते होंगे तो गाड़ी एक दूसरे में टच रहता था, मतलब एकदम फासला बिल्कुल नहीं रहता था। तो गवर्नमेंट ने ये आदेश दिया, उन लोगों को स्कूल में सिखाया भी जाता है कि कम से कम दूरी बनाए रखे, ताकि अगर ब्रेक मारे तो उस गाड़ी तक वहाँ पहुँचे ना, क्योंकि आए दिनों बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ, और फास्ट ट्रैक रोड है दोस्तों उस पर ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट ने यह आदेश दिया है कि जो स्कूल में आपको सिखाया गया उतना दूरी मेंटेन करके रखो, तब 140 की स्पीड में जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ऐसे करते आप पकड़े जाओगे तो स्टार्टिंग में दोस्तों 400 दरहम, ठीक है, इंडियन मनी 8000 फाइन आएगा, और कुछ ब्लैक बोर्ड जो होता है दोस्तों, ब्लैक पॉइंट, वो भी आपको जाएगा। तो ये ड्राइवर के लिए अपडेट था दोस्तों। दूसरा एक वर्कर भाई लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि ये मामला भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। एक पाकिस्तानी भाई ने क्या किया, वीडियो लास्ट तक प्रीव्यू देखना, ये बहुत काम की चीज़ है। एक पाकिस्तानी भाई ने क्या किया कि 12-12.5 हज़ार दरम में लगभग एक लाइसेंस रेडी किया। उसमें क्या किया कि बहुत सारे दो तीन इंडिया से भी मेरे बंदे थे और कम से कम 10-12 पाकिस्तान के बंदे थे, तो उन लोग से क्या किया कि मैं तुमको जॉब दूंगा, सैलरी भी ज़्यादा लगा दिया, बोला ये मेरे पास लाइसेंस है और मैं कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ, मगर स्टार्टिंग में आपको 8-10 हज़ार दरहम, ठीक है, मतलब वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा उसको 12 हज़ार दरहम में तो ऑलरेडी उसके पास एक मिलता है कि इतना वीज़ा फ्री मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो टारगेट बढ़ाना चाहे तब वीज़ा का पैसा लगता है। तो ये क्या किया कि सारे लोग से पैसा ले लिया और 12,000 दरम में एक कंपनी स्टार्ट किया, ठीक है, नॉर्मल कंपनी लाइसेंस ले लिया, स्टार्ट नहीं किया। और ये लोग से एक एक आदमी से 10-10 हज़ार दरम, अब 12 लोग को भी मान लो एक मिसाल से, तो दोस्तों
तो 1,20,000 धर्म हुआ, ठीक है। और ये कंपनी स्टार्ट किया लगभग 12 से 13 हज़ार धर्म में। वो क्या क्या, जब जैसे ही पैसा आया और जब से ही लोग विजिट वीजा पे वहाँ पे आया और वन मतलब तुरंत वहाँ से पाकिस्तान वो भाग गया। अब सारे वर्कर भाई परेशान हैं वहाँ पे। तो इस वीडियो और ये चीज़ बताने का मतलब क्या हुआ कि आप लोग भी ये दिमाग लगाना कि ऐसे वैसे कंपनी में नहीं जाना, पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करता हूँ। इसीलिए दोस्तों मैं दूसरा चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर मैं कंपनी से रिलेटेड ही बताता हूँ कि कौन सी कंपनी दुबई में अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। तो उस पर सब्सक्राइब करके अगर कंपनी के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए तो अपने 12 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके लिए बताते रहता हूँ। तो इसीलिए दोस्तों कंपनी के रिसर्च करके हर चीज़ जान के फिर आ पाओ, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उन गरीब तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी दिमाग खुले, क्योंकि जॉब के जल्दीबाजी में लोग हम लोग सोचते नहीं है कि कंपनी कैसी है क्या। हम लोग जब सोचते हैं कि जस्ट हम लोग वहाँ पर जाकर पैसे कमाना स्टार्ट कर दें, बट एक्चुअली फैक्ट ये सब चीज़ है। तो रिसर्च करके जाएँ और जो भी तकलीफ है दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ कमेंट करें, आपका भाई जरूर रिप्लाई करेगा। दूसरा चैनल का लिंक डाल दिया हूँ, उस पर कंपनी से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ दोस्तों कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है। कंपनी के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए तो कोड के साथ उस चैनल पर कमेंट करो, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।